हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आज डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम मींस एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे अरेंजमेंट होते हैं। ओके, ये आज हम आपको बताएंगे। वी नो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन नो चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स हैव नो एनी चार्ज। ओके, सो द फॉर्म ऑफ क्लाउड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके जो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल। डिफरेंट एनर्जी लेवल आपको बताया गया था, डिफरेंट एनर्जी लेवल मीन एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4 एंड डिफरेंट सेल के सेल, यल सेल, यम सेल एंड यन सेल मीन डिफरेंट सेल और डिफरेंट एनर्जी लेवल मीन 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। जैसे एनर्जी लेवल, ओके, सपोज हियर एटम मीन 1, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड हियर इज फोर्थ एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल को हम या तो 1, 2, 3, 4 से डिनोट करते हैं या इसको हम सेल बोलते हैं, के सेल, यल सेल, यम सेल एंड यन सेल। ओके, तो इसी पर आज हम आपको बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे अरेंज होते हैं मीन्स के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या यम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, या इसको हम जो है के एल एम एल से डिनोट करते हैं या इसको हम जो है 1, 2, 3, 4 से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के सेल। वी नो फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के सेल एंड सेकेंड एनर्जी लेवल इज यल सेल एंड थर्ड एनर्जी लेवल इज यम सेल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल इज यल सेल। ओके, अब हम इसको कैसे हम फिल करेंगे, कैसे इसको हम फिल करेंगे ये हम आपको बताएंगे। द एनर्जी लेवल्स और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। अब देख रहे हो जो एनर्जी लेवल है या जो सेल है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल में मीन्स किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कल में हम एनर्जी लेवल या सेल को हम जो है दिखा रहे हैं, मीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द सेल आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। जो सेल मीन्स जो ये सेल है ए एल एम एन सेल है इसको जो हम अगर हम काउंट करेंगे कहाँ से काउंट करते हैं, सेंटर से काउंट करते हैं मीन्स न्यूक्लियस से काउंट करेंगे, इसको हम के सेल, यल सेल, यंग सेल और यंग सेल बोलते हैं, ना कि इसको हम आउट से मीन्स बाहर से यन यम यल के, ये रॉन्ग है। जब भी आप काउंट करोगे तो न्यूक्लियस मीन्स के सेल, यल सेल, यंग सेल और यंग सेल हम यहाँ से इसको जो है काउंट करते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल के सेल हैविंग द मिनिमम एनर्जी इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। वी नो जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास जो सेल होता है इसमें जो होता है सबसे वो सबसे उसमें कम जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है या हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियस के पास जो सेल होता है उसमें सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस के पास होगा उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन होता है और जो न्यूक्लियस के सब जो दूर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका एनर्जी जो है इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 मीन्स के हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव इन के शेल? 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के में होने चाहिए। ओके, यल सेल विच हैज लिटिल मोर एनर्जी इज ए बिट फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, यल सेल हैव मोर एनर्जी देन द के सेल। व्हाई? बिकॉज अ यल सेल आर वेरी फार अवे फ्रॉम द के सेल मीन्स कुछ ही दूर है। यल सेल जो है के से कुछ दूर है फ्रॉम न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस से
इसीलिए इसकी कुछ एनर्जी ज़्यादा होगी, इससे के सेल से। तो के सेल हाई वे मैक्सिमम यू लिखना एंड यल सेल के यल सेल मैक्सिमम एट लिखना। और यल सेल हाई वे मैक्सिमम एट लिखना, तो यल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल आया यम सेल, ए यम सेल हैव मोर एनर्जी देन द यल सेल एंड के सेल। ओके, यम सेल जो होता है यम सेल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, किससे, यल सेल और के सेल से। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से और ज़्यादा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से और ज़्यादा है। यम सेल हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, यम सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेबल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेल बच रहा है वो क्या है, यंग सेल। यंग सेल, यंग सेल हैव मोर एनर्जी देन द के एल एम, यंग सेल हैव मोर एनर्जी देन द के एल एम। यंग सेल हैव 32, यंग सेल हैव 32 इलेक्ट्रॉन, यंग सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया जाएगा तब आपको ये चीज़ें बताया जाएगा कि कैसे इसको हम जो है निकालते हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आपको हम बताएंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपका ये चल रहा है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज एट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। द आउटर मोस्ट, जो एकदम आउटर मोस्ट सेल है, एनर्जी लेवल जो है आउटर मोस्ट जो है, ठीक है, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो क्या होगा, सभी क्या है वो उसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा। वो क्या रखेगा, वो हाईएस्ट एनर्जी रखेगा, कौन सा एटम, कौन सा जो सबसे लास्ट में होगा, मीन जो लास्ट वाला सेल होगा, जैसे यन है तो यन क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ओके, अब इसके आगे और हो सकता है के एल एम ओ होगा, ओ का हाईएस्ट होगा। ओके, या 1 2 3 4 या 5 है, 5 का ज़्यादा होगा। जो आउटर मोस्ट जो सेल है या एनर्जी लेवल है उसका जो है हाईएस्ट एनर्जी होता है। ओके, ये आपको जो है, उसके बाद जो है जो नियरेस्ट है उसका सबसे कम एनर्जी लेवल होता है, जो नियरेस्ट है उसका सबसे कम, नियरेस्ट किससे, न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस से सबसे कम है उसका जो सबसे कम एनर्जी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है, अब उसके बाद जो आपका टॉपिक आने वाला है वो उसके बाद नेक्स्ट वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। कौन सा टॉपिक आपका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सम एलिमेंट्स। ओके, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये 30 एलिमेंट हो गया। आपको कुछ एलिमेंट का, मीन 30 एलिमेंट का नेम आपको रख ही लेना है, 30 एलिमेंट का आप नाम रख लीजिए, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम का क्या होता है, 1 होता है, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, ओके, उसके बाद कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, पोटेशियम का क्या, 19 होता है, सल्फर का 16 होता है। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, 30 तक एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर बताया जाए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी चीज़ें आप याद करके, अभी आपको बताया गया कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपको बताया गया 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 से कम हो सकता, हो सकता है 2 की जगह 1 हो सकता है, बट उसकी जगह पे 3 नहीं हो सकता है। ओके, और जो सेकेंड सेल में आपको बताया गया मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 8 से कम हो सकता है 7 6 5 4 3 2 1, बट 8 से अधिक 9 नहीं हो सकता है। थर्ड एनर्जी लेवल में आपको 18 बताया गया, वहाँ पे मैक्सिमम 18 होने चाहिए, उसके बाद फिर 32 होने चाहिए, ठीक है, 50 होने चाहिए। इस तरह से जब आप एटॉमिक नंबर को याद करोगे तब आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर आपको बताया गया, मास नंबर बताया गया, व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो प्रीवियस पार्ट में जो है प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, आप इस सबको जो रिवाइज करिए, एक्सप्लेन करिए, रीड करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बस आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा तब, जब आप ध्यान से अगर आप समझोगे क्लियरफुल होकर के समझोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, आप इसके लिए रेडी रहिए, एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।